का रोहतक में केमिकल ब्लास्ट से दो लोगों की जान चली गई है। बता दें कि डिस्पोजल रूम में रखा था 400 लीटर केमिकल। नाले की सफाई के लिए ये केमिकल मंगाया गया था। दो महीने से बरसाती नाले की सफाई चल रही थी। रोहतक में केमिकल ब्लास्ट से दो लोगों की जान चली गई है। डिस्पोजल रूम में रखा था 400 लीटर केमिकल। नाले की सफाई के लिए केमिकल मंगाया गया था। दो महीने से बरसाती नाले की सफाई चल रही थी। रोहतक में केमिकल ब्लास्ट से दो लोगों की जान चली गई है। डिस्पोजल रूम में रखा था 400 लीटर केमिकल। नाले की सफाई के लिए ये केमिकल मंगाया गया था। रोहतक में केमिकल ब्लास्ट से दो लोगों की गई जान। डिस्पोजल रूम में रखा था 400 लीटर केमिकल। नाले की सफाई के लिए ये केमिकल मंगाया गया था। दो महीने से बरसाती नाले की सफाई चल रही थी। रोहतक में केमिकल ब्लास्ट से दो लोगों की गई जान। डिस्पोजल रूम में रखा था 400 लीटर केमिकल। नाले की सफाई के लिए ये केमिकल मंगाया गया था। रोहतक में केमिकल ब्लास्ट से दो लोगों की गई जान। डिस्पोजल रूम में रखा था 400 लीटर केमिकल। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हर्षवर्धन जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, ये जो मामला सामने आया है रोहतक में केमिकल ब्लास्ट से दो लोगों की जान चली गई है, क्या है ये पूरा मामला, लापरवाही किसकी थी और वजह क्या बताई जा रही है? देर रात का ये मामला है और डिस्पोजल के अंदर जो है काम कर रहे थे मजदूर, अचानक से जब वो सोने के लिए गए थे तो वहां पर एक 400 लीटर के करीब केमिकल का एक ड्रम था, वो रखा होता है, जिसमें अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिससे दो जो काम करने वाले थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और जिस तरीके से दो अन्य थे वो इसके अंदर झुलस गए हैं। और फिलहाल जो है इस मामले की जाँच की जा रही है कि आखिर ये लापरवाही किसकी है, क्योंकि जिस तरीके से डिस्पोजल के अंदर जो सफाई करने के लिए कर्मचारियों को उतारा जाता है तो उसके बावजूद भी पिछले भी काफी हादसे होते हैं लेकिन किसी को किसी प्रकार की तो सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि लापरवाही जो है कहीं ना कहीं जरूर हुई है, जो इस तरीके से ब्लास्ट हुआ है और ऐसे में दो जो बिहार के रहने वाले थे उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जी साधना, बिल्कुल हर्षवर्धन, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, नाले की सफाई के लिए ये केमिकल मंगाया गया था और दो महीने से बरसाती नाले की सफाई चल रही थी।